क्या छे एक भूखो केजरीवाल ने एक भूखो केजरीवाल पंजाब ना लोक लाडेला मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मान अपना लोक लाडीला मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आपनी बच्चे पधारी चुकिया छे सरकारी दवा खाना संघर्ष गरीबों ने उठाकर इनकलाब थोड़ा सा और कर दो सूरत तक तो जाए आवाज इनकलाब भावनगर के इलाके में था तो 5-7 युवा लड़के ऐसे खड़े और नारे लगाने लगे मोदी मोदी। मैंने कहा जी इनके लिए तालियां बजाएं क्योंकि लगता है इनके अकेले अकेले के अकाउंट में 15-15 लाख आ गया है। फिर वो बोले जी कहां आ गया है, बस पैसे दे के भेजा है, वोट तो आपको ही देंगे। दुकानदार कई बार मुझे बोल देते हैं ये हमारा धंधा ठप कर देंगे, हम अंदर से आपकी तरफ हैं, बाहर से हमें कोई झंडा वंडा इधर लगाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन वोटिंग वाले दिन हम झाड़ू चलाएंगे, झाड़ू ऐसे करना पड़ेगा इनके पास। देखो हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास लूटा हुआ माल नहीं है भाई साहब, इनके पास बहुत है। ये आएंगे आपके पास पैसे लेके आएंगे। मेरी हाथ जुड़ के बेनती है आपसे, आप सबको हाथ जुड़ के बेनती है, मना मत करना, लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते, आपका ही माल है भाई साहब। इनको बोल देना कि हाँ, और वोटिंग वाले दिन झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना कि हाँ, जिस जिस को समझ आ गया वो ताली बजा दे, बाकियों को माफ है। तो बहुत समझदार इलाका है, बहुत समझदार। हम जब नेताओं के घरों पे जाते हैं नौकरी के लिए, कोई सीवरेज के लिए, कोई शहर की सड़कों के लिए, तो भाई साहब चाय पानी की बात दूर, इनके घरों के दरवाजे भी नहीं खुलते हमारे लिए, दरवाजे बंद, और पास में एक छोटी सी खिड़की बनी होती है उसको खोल के पीए बोलता है अंदर से, साहब है नहीं अगले बुधवार को आना। कोई बात नहीं, अब आ गया मौका गुजरात वालों, ये आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे, अंदर से कुंडा मत खोलना, और अंदर से बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है इलेक्शन के बाद, बदला लो इनसे। तो दो नारे लगाऊंगा, यहां पे भाजपा वाले भी खड़े होंगे, मुझे आंख देख के पता चल जाता है भाजपा वाले खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, उन्होंने अपने आकाओं को बताना है, वो पूछे क्या माहौल है, नारे कितनी जोर की लग रहे थे, वो बताएंगे सर बहुत जोर की लग रहे थे, मतलब हम डेंजर में हैं। बजाय इसके के वो बताएं जिन्होंने वो भेजे हैं, क्यों ना हम इतनी जोर से नारा लगाएं कि तो उसके घर पे सीधे पहुंच जाएं। कहीं फूलों से भरी हुई जाती है और माए सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं, बहनें दुआ करती हैं, अरदास करती हैं, नौजवान कंधे पे हाथ रख के सेल्फी करवाते हैं, उनको मुख्यमंत्री वाली फीलिंग नहीं आती, उनको लगता हमारा छोटा बड़ा भाई है, यही चीज होनी चाहिए। मैं जहां भी गया, मैं कोडिनार गया, मैं खेड़ ब्रह्मा गया, मैं धर्मपुर गया, जयपुर गया, सुरेंद्र नगर गया, मैं आज आहबा गया, मैं सारी गया, सब जगह एक ही बात कहते हैं लोग, 27 साल हो गए जी हमारा, इनसे पीछा छुड़वा दो। और हम भी कहते हैं ये काम हमारा नहीं है, आपका है, हमने तो आपको एक चुनाव चिन्ह दे दिया जो राजनीति गंदगी साफ करता है, झाड़ू सफाई कर दो, सफाई बहुत हो गया, हर साल तो ये पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं, आप तो बदल जाओ गुजरात वालों, हुकूमत वो करते हैं
दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। इतनी भारी गिनती में बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, वो सबसे ज्यादा वो बेव कर रहे हैं बच्चे। इनको पता है भले ही इनकी वोट नहीं है, लेकिन ये अपने माँ बाप को कहेंगे हमारे लिए ही सही एक बार बदलाव करके ला दो, पेपर फूटने बंद हो जाएंगे, स्कूल बहुत अच्छे हो जाएंगे, अस्पताल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिजली मुफ्त मिलेगी। हम ये भाई साहब हवा में बातें नहीं करते। दिल्ली में कहा था दिल्ली में बिजली फ्री, पंजाब में कहा था 74 लाख मीटर में से 50 लाख लोगों को जीरो बिल आया इस बार, पहली बार जीरो बिल। और ये सब कुछ खा गए, ये खा गए लूट के देश को, ये हमारे जंगल खा गए, हमारे पहाड़ खा गए, ये सड़कें खा गए, ये स्कूल खा गए, कॉलेज खा गए, यूनिवर्सिटी खा गए, अस्पताल खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए। अगर किसी नदिया के घाट पर ये राजनीतिक लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होठ भी दो बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है मौसम पर। भाई साहब ये आम आदमी पार्टी आम लोगों को विधायक बनाती है। अपने तुम्हारे बेटे बेटियों को ही टिकटें मिली हैं। पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीती, 82 विधायक पहली बार जीते आम लोगों के बेटे बेटियां हैं, मैं भी उसमें हूं। आप सोच सकते हो आपको जब आपके किसी रिश्तेदार को भाजपा में या कांग्रेस में कोई टिकट मिल सकती है? अरे भाई इनके रिश्तेदार ही खत्म नहीं होते। ये मेरा बेटा है, ये भतीजा है, ये भांजा है, ये वो है, ये मौसा का बेटा है, ये भुआ का बेटा, वो ही नहीं खत्म होते। आम आदमी की बारी कब आएगी? जब आम आदमी पार्टी आएगी। तो मीडिया वाले ने मुझसे पूछा कि आपने भाजपा की आंधी को पंजाब में और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा सिंपल सा फार्मूला है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? गला कमल, हमारा बोले झाड़ू। मैंने कमल कहाँ उगता है? कहते कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा झाड़ू से हमने कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल उगे ही नहीं। 117 में से पंजाब में भाजपा की कितनी है? 2। मोटरसाइकिल पे बैठ के भी विधानसभा आ सकते हैं वो। दिल्ली में ऐसी था पिछली बार 3 थे, इस बार 6 होंगे। तो भाई साहब स्कूलों की राजनीति करते हैं हम अस्पतालों की राजनीति करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते, हम ये समाज वो समाज नहीं करते। हम कहते हैं इंडिया, भारत हमारा देश 130 करोड़ लोगों का देश है, या किसी 40-50 नेताओं के परिवार ने ठेका नहीं ले रखा इस देश का, ये हमारा देश है, हमारा देश है 130 करोड़ लोगों का देश।